का कहाँ दर्द हो रहा है, दवाई लाई हूँ ना खा ले तो ले पहले तो दवाई नहीं खाई वही तो कह रही से खा। सबसे बुरी होगी ना सबसे बुरी ये आ गई, कल दिखा दो क्या पता आज रिजल्ट लाने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है 28 मार्च और कल है लीशा का बर्थडे और आज है उसका रिजल्ट। सीरियसली बर्थडे से एक दिन पहले रिजल्ट, मतलब समझते हो ना, पता नहीं बर्थडे मनेगा भी या नहीं अगर मार्क्स कम आए और शिकायत आई तो उसकी। तो अभी मैडम रेडी हो रही हैं, लीशा और मतलब पापा और डुगुन आ रहे हैं। शक्ल दिखा दो क्या पता आज रिजल्ट लाने के बाद दिखाने लायक ना रहो। तो पूरे गुस्से में है, उसकी टीचर से एक एक बात सुनकर आऊंगी, एक एक बात, और वो व्लॉग में ही बताऊंगी। बस अभी पापा नहा ले जल्दी से फिर चलेंगे। मैं अपने लिए ना ये वाली लाई थी लेकिन फिर ये लीशा ने रख ली। मैं ये वाली ले आई और इसका कलर ब्राइट भी है, प्यारी भी है। अब लीशा कह रही मेरे को ये वाली दे दे लेकिन मैंने उसको दी है। तो गाइज आप लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मेरे जो पापा है ना उन्हें मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। उन्हें ना मैं मतलब ऐसे कोई कपड़े पहनूंगी ना जैसे फ्रॉक वगैरह या कुछ भी सूट वूट तो उन्हें अच्छे लगते, और मैं जीन्स या शॉर्ट वगैरह पहनती हूँ, वैसी ड्रेसेस पहनती हूँ शॉर्ट वाले, तो वो सही लगती है। अब मेरे को तो बहुत बुरी लग रही है, अब मेरे को तो ये अच्छी लग रही है। हाँ यहाँ कर बोलना, वहां से क्यों बोल रही है, देखो मैं तो अच्छी लग रही हूँ मेरे को खुद को। अभी चल बताओ अच्छी लग रही है, दिलाई है तो अच्छी लग रही है। अच्छा मैं अच्छी नहीं लग रही, नहीं यार अच्छी लग रही है आप। अरे अरे रिजल्ट के बताओ ना भाई, मेरे पापा को क्या है पता नहीं क्या होता है, ब्लॉग में नहीं आएंगे, वैसे चले गए। अब कार में बैठ के बनाऊंगी इनका, बाल भी खराब कर गए सारे भाई, पता नहीं मैंने क्या। पापा रुक जाओ, लोग बना रहे शर्मा के चले गए नीचे, मैं देखो कितनी मोटी हो रही हूँ। अरे आती के बच्चे तो है, जिम जाके बस इतना बोलती है। मेरी मेरे को ना नजर लगती है, मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी। ओ अब सही है, मेरी बच्ची भी मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी ना, यहाँ पूरा गला छिल रहा था, कुछ खा नहीं पा रही थी, पी नहीं पा रही थी, फिर मैं जिम भी नहीं गई 2-3 दिन, तो ये आ गई नीचे। ओ मेरी बच्ची की ओली ओली ओली। सो गाइस चलते हैं। लीशा ना अपनी मैम के लिए सोच रही है क्या लेके जाऊँ मक्खन लगाने के लिए, चॉकलेट जलेबी चाउमीन सबके नाम ले रही है, किस चीज से मक्खन लगाऊँ। चाशनी लगाएगी। लीशा की बुराई शुरू करो। कुछ भी बुराई नहीं। अच्छा मैं बता दूँ क्या बोला टीचर ने, शरारती है बस, शरारती है पूरी मतलब क्लास ही शरारती है इनकी, बहुत शैतान है, बहुत पिटते हैं, बहुत डांट खाते हैं बस। सो गाइस मैं बता दूँ इसकी क्या शिकायत आई है, पढ़ने में ये एवरेज है, मतलब मैम बोल रही है तो 10th कैसे पास करेगी, बस दिमाग नहीं है थोड़ा इसके पास देना पड़ेगा, डुगुदू और मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करके दे देंगे बेचारी को 10th के लिए दे देंगे। मेरे को मेरा दिमाग पे आ रहा है, इसकी और इसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों की, वो जो होती है ना शरारती शैतानी करते रहते हैं दोनों मिलकर, और मैम इन दोनों को इतना समझाती हैं फिर भी ये सुनते नहीं है, और इनके मार्क्स तो बिल्कुल एवरेज से भी लो है। पापा के मारे थोड़ा नहीं है ना, बता दे इसका इसकी फ्रेंडों के सबके नंबर नीचे, हाँ सबके नंबर नीचे नीचे है, मतलब अब मैं असली वाले बता दूँ। पापा नंबर सुनना चाहोगे तो फिर ये फोन में से डिलीट कर देगी। बताऊँ 483 नहीं 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 इसके 483 हाँ 700 में से बस, हाँ बस मारो इसे। मम्मी चुप कर रही थी कि बर्थडे बेचारी का, रहने दो बाद में बताएंगे, लेकिन मैंने बता दिया मेरा बर्थडे थोड़ी ना है इसका है। मेरी ले दूसरी फ्रेंड की सुनेगी अपने, ले उसका भी कुछ कहना है। सो गाइस रिजल्ट लेने के बाद हम मंदिर आ गए दर्शन करने सीपी, और अभी जल्दी से दर्शन करते हैं। पापा और डुगू कार में ही हैं, डुगू सो गया था, वो थक रहा था, उसे नींद ही बहुत आती है, और पापा पार्किंग के मारे नहीं आए क्योंकि पार्किंग पूरी फुल हुई हुई है, कार खड़ी करने की जगह नहीं थी कहीं भी, तो अभी हम तीनों आए हैं बस अंदर। चलो लीशे, लीशे का तो दम निकला हुआ है, पापा ने इसे बहुत डांटा,
लाइन देखो कितनी लंबी है। सो गाइस हमने अब दर्शन कर लिए और भीड़ बहुत हो रही है, नवरात्रि चल रही है ऊपर से मंगलवार, और अभी हम सोच रहे हैं झंडे वालों जाने की, क्योंकि जब से नवरात्रि लगे हम एक भी बार नहीं गए, तो झंडे वालों जाएंगे या नहीं अभी चल के देखते हैं। पापा को शायद जाना भी है तो अभी देखते हैं झंडे वालों जाएंगे या नहीं। गाइस अभी हम ले रहे कचौरी, फिर पापा के पास चलते हैं। एक पन्नी दे दो, ब्रेड नहीं कचौरी, कचौरी ये है मशहूर दुकान सीपी की, कचौरी वाले अंकल की। एक पन्नी दे दो। सो गाइस हम घर आ गए और इतना जाम था, हर एक रोड पे जाम। हम सुबह 9 बजे के निकले थे, 9-10 बजे के, और अब 2 बजे घर में घुसे हैं, बहुत जाम था। झंडे वालों कब चलेंगे? देर और दोपहर जल्दी ले जाएंगे, दिन आज देखा ना कितनी भीड़ है। पापा को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि इनके तो फोन ही कुछ ज़्यादा ही आते हैं जब घर आते हैं ना, जब नहीं होते। प्रसाद खा लो गाइस मंगलवार का, शीतला माता का। देखो मतलब मैं बिल्कुल बच्ची हूँ, मैंने टीका लगा लिया, बच्ची हूँ, टीका लगा लिया, कचौरी की गिरा ली, और ना मेरे हाथ पे ना टीका लग गया था तो मैंने वो सारे में रगड़ लिया। हाथ भी देखो मेरे कैसे हो गए, अब मुझे टिश्यू पेपर नहीं मिला, मैंने हाथ ऐसे ऐसे रगड़ लिया। भाई हाथ पे देखो, देखो कैसे टीका टीका हो गया। अच्छी बात है टीका लगना। ओ ये कुछ नहीं होता, ये लॉजिक नहीं है, सर दुख रहा है, मगर घर ट्रैफिक है। लॉजिक नहीं, दिल्ली मुंबई बन रही है, मुंबई जितना ट्रैफिक रहने लग गया दिल्ली में भी। ज्यादा तकलीफ है, ऐसा लग रहा सारी पब्लिक आज ही तक सो रहे थे और मंदिर में भी इतनी भीड़। मैं तुझे भी तो झंडे अलग पास से चिपका बालक में ना भैया, मैं उतर रही इतनी भीड़ हो रही है। सो गाइस जिस दिन मेरा रिजल्ट लेने जाएंगे ना 31st को, तब जाएंगे झंडे वालों, और फिलहाल तो मैं सो रही हूँ, बाय। सो मैं सो के उठ गई, 6 बज रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं मार्केट अष्टमी वगैरह का सामान लेने, कल अष्टमी है तो कंचक वगैरह का सामान लेने, और फिर लीशा का केक वेक भी ऑर्डर करना है, वो भी लाना है, उसका बर्थडे वगैरह का सामान, तो अभी मार्केट चलते हैं। LISA उसका नाम लीसा है, हम बोलते उसे लीशा है। हाँ ऐसे सो गाइज हमने लीशा का केक ले लिया, रात को काटने वाला, और कल जो काटेंगे उसका ऑर्डर कल ही देंगे, है ना, या अभी दे जाए? कल देंगे। तो केक तो कटवाओगे ना कल भी? तो कल का कल देखेंगे ना, तो कटवाओगे ना? हाँ ना, कल का कल देखेंगे ना। तो तुम्हें मतलब कल अलग से वो करने आना है, मतलब फोन पे बात हो जाएगी, हमारा फोन चलता है। मैं अभी करवाना चाहती हूँ ना। नहीं हम फोन पे बात कर लेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं अभी करेंगे। आप हम घर आ गए और हम जरा लीशा से पूछ लेने गिफ्ट में क्या चाहेंगे। हटना सही है, मार्क्स अब तो पहले बहुत वीक थी, अब सही हो गई। चलो अच्छा अच्छा बेटा, मम्मी देख रहे कैसे आए, मैं पहले फर्स्ट आई थी, तो आइए कभी कभी आइए जिंदगी में, कभी आइए जिंदगी में, लाइए पोजीशन, हां सही है, इतना तोड़ूंगी, लाइए पोजीशन इस बार ही तो कम है। एक मिनट रुक जाओ, उसको थोड़ा पीट दूं। बोल यार कभी फर्स्ट आई है, बोलूं नाम से पापा का, आइए कभी फर्स्ट नहीं। आहो ए बताओ, मारे जा रही, मारेगी मारेगी, अरे मैं शूट कर रहा था, वो हो रहा है, मारेगी। तू कभी फर्स्ट आई है? अब पहले बता, फर्स्ट आई है कभी? मम्मी लाइए पोजीशन, जब तू फर्स्ट नहीं आई थी, मैं तब फर्स्ट नहीं आई थी, इसी घर में रहती हूँ अभी, आई है फर्स्ट, मैं भी तो आई थी, अरे जब छुट्टी आई नहीं थी, लीसा फर्स्ट आई है, फर्स्ट आई है।
ये तो मैं काट दूंगी मैं बता दूंगी पीछे से देख ली कनेक्ट गाइस लीशा की पिटाई की खुशी में मैं खा रही हूँ रोल और सैंडविच। मेरी लड़की का बर्थडे है खुशी में पिटाई। वो देखो कान अंधेरे में खड़ी हुई है तो मैं खा लू फिर मिट्टी का देखो कैसे बह रहा है। अरे आजा पूजा सो गाइज 12 बजने में सिर्फ एक मिनट बाकी है और हमारा पूरा पोपट हो गया। हमने केक ला के ताई जी के यहाँ रखा, फिर जब ताई जी सोने लग गई तो हमने केक चुप रहे ना तो हमने ना मतलब ताई जी के यहाँ रख दे, ताई जी के यहाँ से फिर जब अपने घर में लाए ना मतलब जब ताई जी सोने लगी कि ताई जी तो सो जाएंगी जल्दी घर में ले आते हैं, मैंने इतना छुपा के रखा उसके आसपास, मतलब टमाटर की पन्नियों से छुपा दी, किस चीज़ से छुपा दी, फिर भी मतलब वो इतनी वो है ना मेंटल सी पागलों की तरह फ्रिज में केक ढूंढ रही है। लाए तो होंगे इसलिए सनकी ने देख लिया तो अब इसके सामने तो सब कुछ हो ही गया। अब लाके काट भी देते हैं और 12 बज गए अभी तक पापा आए नहीं, अपने दोस्तों के साथ गए हुए, अब पता नहीं कब आएंगे। हम तो काट रहे हैं क्योंकि इन मैडम को सोना भी है। लोगों की कमी नहीं है इस घर में, टेबल पे क्या करेगा सोएगा। सो गाइज अभी कैमरे में देखते पापा आ रहे हैं नहीं, 10-5 मिनट अगर जैसे ही गली में आ जाएंगे तो काट देंगे 5 मिनट में, नहीं तो फिर 12 तो बज ही गए, हम स्टार्ट कर देंगे फिर काटना। ये केक भाई इस कैसे मैं कैसे जानवरों के साथ रहती हूँ, केक खाने के लिए टेबल उठाकर लाया है। एक ही है फ्रिज में, केक ढूंढ रही थी अपने बर्थडे का, मैं तो ना ढूंढूं, लाई भी नहीं है नहीं भी नहीं है। और सबसे बर्थडे सून लगवाती फिरती है, मैंने लगवाया एक भी ओए। सो गाइस पापा तो अभी 10 मिनट में आ रहे हैं, इतने में आपको लीशा की बचपन की फोटो दिखाती हूँ कुछ, वो कैसी चाइनीज सी थी। लीशा की सारी फोटो खुल चुकी हैं, अच्छी वाली ढूंढते हैं, अच्छी वाली कहाँ से, जो सबसे बुरी होगी ना सबसे बुरी ये आ गई। अरे ये रही, एक ये, एक ये और भी देखते हैं, एक ये वाली। वो नहीं वो मैं नहीं दिखाऊंगी, और देखते हैं ये देखो, और ये देखो, और भी अच्छे अच्छे पोज दिखाती हूँ मैं आपको इसके, ये वाले मतलब ये देखो, ये बस अभी हवा के साथ उड़ने वाली है दीदी लीशा। हाँ ये देखो गाइस हीरोइन की फोटो, पोज देखो मैडम का, चार पांच साल पहले की फोटो है, बस फोटो खींचनी है चाहे अच्छी आए या ना आए। ये देखो इससे ज्यादा क्रिंजी फोटो मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी ज्यादा क्रिंज। अगला रोज तो ट्रिगर इंसान इसका करने वाला है ना। ये देखो दीदी को दिखाएंगे हम। तो लीशा दीदी ने टीवी तो बंद करा दिया है, हम फोन में दिखाते हैं। ये तब की है जब मेरा बर्थडे मनाया गया था, लहंगा पहन के तैयार हुई हुई है, टाट पे बाल है नहीं, मेरा भी हेयर स्टाइल बनवा दो। ये रही, रुक जाओ, पागल आगल है ये रही। और देखते हैं और मिलती है तो अब बिल्कुल बचपन की निकालते हैं इसकी। इतना मोटा बच्चा और ये कितना पतला बच्चा, इतना पतला कि कुछ दिनों में हड्डियां दिखेगी स्केलेटन की तरह। हाथ हटा लो, ऐसे करते हो जैसे आप कभी ब्लॉग में आए नहीं। मेरे बाबू जा ना हट, नहीं यार सुबह से शर्म आ रही, क्यों बाबू नहीं है। मम्मी अच्छा इसको सोन दो, जा बाबू सो जा, केक हम काट लेंगे, हम खा लेंगे, आप सो जाओ। ये हो गया उसका केक, धीरे 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 फॉर्मेलिटी के लिए लाइट ही बंद कर दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू लीशु,
वैसे तो हाँ पापा अभी भी नहीं आए, अब हम कितनी लेट करते, हमने कटवाई दी, अब वो आके बस केक खाएंगे। हैप्पी बर्थडे लीसा। लाइट्स ऑफ करो, पकड़ो तो मैं लेके खड़ी हूँ। सो गाइस वैसे तो इसका नाम लीसा है, हम इसे बोलते लीशा है। ओए लीसा, ओए क्या है एच का बहन? आधार कार्ड मैच नहीं है, आधार कार्ड से चलते हैं। पे तो होना चाहिए था, रुको जल्दी कर लगा। अच्छा आ जा, तेज कर दे। केक तो दिखा दे, मैं इतना सुंदर लाई हूं। ओए दिखा, मैं लगाऊंगी गाना। ओए अच्छा हुआ, आई अच्छा नहीं तो ओके कर। तू मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, 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 तेरी हम इस हार्ट के पीछे लड़ रहे थे चॉकलेट वाले। जो लीजा को नहीं मिला, मिल गया। तीन थे हम तीनों के। ओए अबे बाप इसको टकरा। अच्छा नहीं है ना। अच्छा नहीं, मैं बता दूँ वो डार्क चॉकलेट का है ना, तो इसने वापस रख दिया केक पे, पागल लड़का। सो गाइस बर्थडे खत्म, लीशा का बर्थडे हो गया खत्म, जाओ सो जाओ। ओ भाई लीशा की खराब कर रहा है भाई, इससे ज्यादा मोर कुछ नहीं करेंगे, कल पूरा दिन ये सोएगी। वो सोती जो है हमेशा करती है, वो सारा दिन रिजल्ट लेने जा रहा है। लीशा उठ जा, लीशा उठ जा, हमने काम कर लिया। गाइस मैं केक पे हीरे मोती जड़वा कर लाई थी, ये देखो ये सच में खाने के है। वो अलग बात है कि मुझसे टूट नहीं रहे, नहीं है। वो कौन सी दवाई होती है उन्हें भगाने की, अलमारी में तो डालते बदबू ना है, पता नहीं वो कॉकरोच भगाने की, उसकी तरह लग रही है। मैं इतना अच्छा केक लाई थी, ये ले लिया। सो गाइस सुबह के बज रहे 9 और मैं बिल्कुल नहा ली, रेडी हो गई, क्योंकि अभी अष्टमी है तो कंजक भी जिमानी है और प्रसाद वरसाद सब बन चुका, बस अब फटाफट से कंजक आ जाए। मैं गई थी कंजक जिमने अपने जिमाने से पहले, क्योंकि मैं भी अभी छोटी सी बच्ची हूँ, बिल्कुल छोटी सी नन्नी मुन्नी। प्लेट
कंजक जीमनी है या नहीं? ये है मेरी प्लेट जो माता रानी के आगे की है। हाँ काजल यही है। ए मत्था टेक जल्दी जल्दी चलो बोल सच्चे दरबार की जय। मैंने बनाया बच्चों प्रसाद अच्छा बना है ना मैंने बनाया है। अब खा लो सारा खा के जाना है ठीक है। झूठी वाली है। सच वाली हूँ एकदम सच्ची वाली बता दे। वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। कंगना बर्तन धो ले। मैं मारूंगी मम्मी भाभी तुम धोगे। देखो बच्चों सब अच्छा अच्छा आशीर्वाद दो ना। सबसे बड़ी बेटी की उम्र लंबी हो। मैं तो ऑलरेडी पास हूँ। मम्मा मेरे भी आप तो लेटे पड़े उसे भेज रहे हो। मम्मा मेरे भी। अरे हाँ ये कंजका तो रह गई मेरी। देखो तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी बहुत तरक्की करे बाकी के दो बच्चों को कोई गारंटी नहीं है। आशीर्वाद दे रही है। बाय बच्चों। बाकी के बच्चे लीसा हैप्पी बर्थडे टू यू। लीसा बाद में पहले माता रानी है। छुओ छुओ जीते रहो जीते रहो। बाबू बच्चों ये परम की बहन है। परम लग रही है चुप रहो। परम जितना अच्छा ही उतनी ही बुरी है। माता रानी इतनी रोती है बहुत। और मम्मी कहाँ गया वो पूछो इधर दिखाओ। और बुआ के पैर छू ना। तुम होली वाले ब्लॉग में कहाँ गए हुए थे भाई? तो गाइस होली वाले दिन ये अपने ससुराल के कई रिश्तेदारों में भाग गई थी। चलना यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता होली वाले। बहुत बुरा हाल। बहुत मजे आए थे। मुझे तो आते पहले नहीं थे क्या? भाभी आशा भाभी के साथ खेले थे भाई। मजा बुरा हाल करता था। मिर्ची लग गई। कब ना पानी पी रोटी पियो। तो अभी पूजा तो हो गई। अभी मैं भी कुछ खा लूं। मैं सुबह से भूखी हूं। मैंने इतनी मेहनत करी। मैं क्या थप्पड़ ऐसा मार इसके टेबल उठ उठ के सिर्फ नहाने गई है। कुछ नहीं करा इन्होंने। कुछ भी पहन मैंने पूरी भी बना ली। मैंने सब कुछ कर दिया। दो चक्कर लग गए थे ना मेरे भी। हां ये नहीं उठे। हां माता वाली मैंने उठ जा पूजा करूंगी ना। देखो ये कैसे माता वाली कर दे कर दो। कंगना को लीचा को तो पता है मैं पप्पी करके गई हूँ सुबह 4-5 बजे करीब। हाँ मुझे तो होश भी नहीं था। सपने देख रही थी मैं। पता नहीं कौन सा तो सपने कोई ब्लॉग का देख रही हूँ मैं। पता नहीं मैं अपने सपने में बाइक चला के करके गई हूँ। कौन दे हैप्पी बर्थडे टू यू करके। ये मैं हूँ। ये मेरी बहन है और आज इसका बर्थडे है। अपनी दोस्तों को फोन करके कह दे आ जाएंगी। ये इतनी बुरी है ना अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाती अपने बर्थडे। पता नहीं कैसी सी अजीब सी मुँह ना। फायदा मुझ उठाइयो मैं मारूंगी बड्डे वाले दिन। बहुत मारती हूँ बच्चे। बहुत मारती हूँ बच्चों को। सो गाइस तो कोरोना वायरस ही है। मुझे भी कर दे। मैं इतना अच्छा प्यारा सा बच्चा हूँ। सो गाइस अभी तो फिलहाल पूजा वूजा सब खत्म हो चुकी।
तो अभी अपने दोस्तों को फोन करेगी, फिर देखते हैं इसको कहाँ घुमाने ले जाना है। सनकी से कह रही गौरी शंकर चलो, पता अरे पागल है क्या नहीं बताना पता है कितनी भीड़ होती है गौरी शंकर पे, मेंटल औरत। दोस्तों को फोन कर दे, कहीं और ले जाएंगे घूमने। गिफ्ट तो मैं कुछ लाई नहीं तेरे लिए, हमें चाहिए दे भी नहीं। तो गाइस इस घर में मेरे साथ होती है नाइंसाफी। मेरे बर्थडे पे मुझे ना पैसे पकड़ा दिए जाते हैं और लीशा के लिए गिफ्ट आ रहे हैं। अच्छा जी आ गई तो वो, हाँ और डुगू के बर्थडे पे भी पैसे और इसको गिफ्ट। तो मेरे को ये वाली टी-शर्ट ज्यादा अच्छी लगी, तो ये ले ले साठ रुपए दिखा तो दे। ये ताई जी ने इसको गिफ्ट दिया है, एक ये वाला टॉप और ये जैगिन और एक ये वाला चला और ये वाली और वो। ये तू देख ले तेरा आ जाएगा ना। तुम्हें दुकान वाले से कहना था जी कमर है ही नहीं, कपड़े मुझे लगा ताऊ जी लाया, तुम खरीद वहां से खरीद के लाई हो। बर्थडे गर्ल अभी रेडी हो रही है। मैंने मतलब उसकी फ्रेंड्स को कॉल किया था कि सब आ जाएंगे, लेकिन उसकी फ्रेंड्स का क्या है, कोई दूर रहती है, कोई कहीं रहती है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, किसके घर में कोई नहीं है, तो उसकी फ्रेंड्स तो आ नहीं पा रही। तो हम लोग फैमिली मेम्बर्स ही बाहर डिनर करने जा रहे हैं, मासी वगैरह और ताईजी वगैरह। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस अभी लीशू भी रेडी हो जाए फिर चलते हैं। भाई व्यू देखो कितना तो मस्त आ रहा है, मतलब कैमरा ना वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पा रहा जो मेरी आइज़ कर रही है, इतना प्यारा लग रहा है सनसेट। मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ, देखो वहाँ पे ये देखो कितना तो प्यारा लग रहा है। रात के टाइम भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग बनाकर छोड़ रखी हो, एकदम अलग अलग शेड्स दिखते हैं। अगर रात को घर जल्दी आया तो मैं आपको रात का भी दिखाऊंगी कितना प्यारा लगता है। मैं सुंदर लग रही हूँ ना आज, मैं कुछ ज़्यादा ही गोरी लग रही हूँ, क्योंकि पता है क्या, घर में रह रहे के ना सारी टैनिंग जितनी भी स्कूल जाते टाइम आते टाइम चढ़ जाती है ना वो सारी उतर चुकी। अब बिल्कुल कुछ भी लगाया मैंने मुँह धोकर ना, बस ऐसे ही मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया पता है, अब मुझे नज़र लग जाएगी। उतर गई सच में, लग रही थी मैं कहती हूँ ना मेरे को नजर लगती है। और हाँ देखो जेठानी ने भी ग्रीन पहना है सेम सेम, और देवरानी ने भी, दोनों ने सेम सेम सूट पहना है, जेठानी है ना सब कुछ सेम सेम, सब तैयार हो जाएंगे सिवाय हीरोइन के। सो गाइज ये बर्थडे गर्ल एकदम रेडी है, इनके आउटफिट देखो और इन मैडम को। हमने कहा घर में सेलिब्रेट कर ले, थोड़े हमारे पैसे बचा क्या, हम तेरे पे थोड़ा ना पैसे खर्च करेंगे, मेरे लिए रख रखे मेरे पापा ने। और ये हीरोइन इन्हें भारी जाना है बिना प्रेस के। गाइज हम ना निकलने वाले थे और मौसम ना एकदम बारिश का हो रहा है, ये देखो ऐसा मौसम हो गया अभी बारिश आ जाएगी, तो अभी जल्दी से चलते हैं। बताओ कितना मस्त हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश आने वाली है आ रही है काके बिट्टा। मेरे पुच्ची की तबीयत खराब हो रही है, नहीं पता है क्या। गाइस अब हम आ गए सम्राट, बाहर बारिश हो रही थी, हम जल्दी जल्दी से अंदर आ गए, ये देखो कैसे बैठे हुए हैं। हाय करो। सो गाइस इसको तो जानते हो, मेरी मासी का बेटा, सबसे छोटी मासी का, फिर ये मम्मी के बाद वाली मासी का तुषार, फिर मासी, फिर ताई जी, फिर वो मेरी भाभी की लड़की काली काली बाबू मेरा, और मेरा पुच्चू रह गया। पुच्चू की तबीयत खराब हो रही थी, उसके पलटे हम उसकी मम्मी को ले आए, फिर पीहू है, बर्थडे गर्ल देखो कहाँ बैठी हुई है बीच में, क्योंकि डिम है ना वैसा है। गाइस ये है मेरी मम्मी की सबसे छोटी वाली बहन, और जो सो गाइस मासी और नानी जी तो नहीं आ पाई क्योंकि मासी पार्लर गई हुई है, पिंकी मासी, और नानी जी मार्केट गई हुई है, कल नौमी है उसका सामान लेने, तो हम लोग आ गए, उनको हम बाद में पार्टी देंगे। मुझे सिनेमैटिक्स बनाने दो,
क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं, घुसकर इतने अंदर बैठी है। अच्छा वो ऑर्डर कर दो। क्या करूं बताओ, क्या खाओगे आप लोग? शर्म नहीं आई बोलते हुए चिकन की? नोमी है कल, उसे देखो पागल बच्चे को। सो गाइस अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। सो गाइस हमने ना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, दाल मखनी और बटर चिकन बनाया है। इतने पापी लोग हैं, अभी नवरात्र खत्म हुई ना, चिकन इन्होंने पहले ऑर्डर कर लिया। अब अष्टमी होती है लेकिन नवमी भी तो है ना, फिर भी ये लोग चिकन, और मैं चिकन नहीं खाऊंगी, देख लो ना आप, मैं चिकन नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ गरीबी गरीबी खाऊंगी। सारा माल तो ग्रेवी में ही होता है। चलो जाकर ना लो, कितनी तेज चिल्ला रहा है परम को। हम परम को घर छोड़ कर आए ना, कि परम की तबीयत खराब होती तो हम उसको घर छोड़िए। अब उसकी जगह एक और शैतान ने ले लिया, अब इतनी शैतानी कर रहा, चिल्लाया जा रहा है। कह रहा ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे है? सो गाइज यहाँ पे डिस्कशन चल रही है, पिज्जा मंगाए या चाउमीन। मैं बोल रही हूँ जिसके रेट सबसे कम है वो मंगा लो, पैसे बचेंगे अपने, पैसे बचेंगे अपने। इन लोगों का क्या, ये तो बोलते रहेंगे। अच्छा मेरे लिए तू जिम शिम जाता है, मेरे लिए हाँ टोनी कक्कड़ सस्ते वाला टोनी कक्कड़ है ये तो बात है, मुझे नहीं अरे 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 डाले चुप, उसको मारूंगी मैं अभी। किसके कहाँ पे, कहाँ पे बंद करा रहे बाबू? अच्छा कोई बंद नहीं कराएगा, ये चुप करा बाबू को। सो गाइज ये शक्लें देख लो, सुबह तो पूजा पाठ करते हैं ये लोग और शाम को चिकन खा रहे हैं। ये देखो वो शरीफ लोग हैं, वो देखो वो दाल खा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो इतना शोर मचाते, इतना शोर मचाते, मेरा मन कर रहा है मुंह बंद कर सिल कर लाऊं। और मैं बोल रही थी, नहीं अब मेरी बात सुनो, हाँ कि अभी हम पहले खाना खाएंगे, फिर लिशा का केक कटवाएंगे, तो अभी सब खाना खा लें, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। हाँ खाओ खाओ खाओ, मेरी सब कुछ स्नैप वगैरह बन गया, खाओ। अच्छा लो बाबू, खा लो खा लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम लोग नॉनवेज खा कर आए हो। चेक करने तो क्या खा रहे हो, दाल है क्या है? भाई मैं दिखा रही हूँ, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं ये पीस वीस मैंने नहीं खाए, वो ये खा रही है, मैं खा रही हूँ ग्रेवी बस, है ना, ये खा रही है। नहीं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मतलब आज आज अष्टमी तक के लिए नौमी। सो गाइज इस औरत ने खुद तो नॉनवेज खाया नहीं और इन बेचारों को नॉनवेज खिला दिया, इन बेचारों का परहेज छुटवा दिया। आप भी सबने नॉनवेज खा लिया और खुद ने नहीं खाया, खुद ने दाल दाल खाई है। क्या तो सब्सक्राइब कर दो मेरी दीदी का चैनल। मैं दीदी का चैनल सुनते हुए
गाइस यहाँ पे केक की अनबॉक्सिंग करती है। लिखे एक बार टेक्निकल गुरुजी की तरह बोल दो। ये अपनी मम्मी का नाम ले रही है। दोबारा आवाज दे काजल। भैया चीज दे दो, ये पंखा बंद कर। बोलो जल्दी खोल। सो गाइस ये केक है मेरी पसंद का। सब तूने करा है कुछ भी? गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए, बस वेट कर रहे कब चाटू केक। नहीं मम्मी जला दो, जला दो, कोई बात नहीं, जलाओ जला दो। नहीं 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 कर दो, अरे जला दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लिलिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा आप केक उधर खिला रहे हो? हाँ ये कर रही है देखो। हाँ अब खड़ी होकर सबको खिला। जिन्होंने बटर चिकन बनाया वो ताऊ जी, और जिन्होंने दाल बनाई वो पापा। खड़ी हो। अच्छा गिफ्ट पहले दे दिया। नहीं लीशा एक चीज बोलूं, स्पून ले, स्पून से कर करके खिला सबको। ऐसे स्पून से ले लेके खिला दे। उसका मुंह खुला को खुला रह गया। हाँ नजर मत लगाओ मुझे भाई। पिंकी मासी भी ऐसी कह रही थी तुम बहुत बुरे हो। खा ले लो ना। और मैं तुषार को बुला। तुषार भाई बाबू क्या और खाऊंगी? हैप्पी बर्थडे कर दो। गिफ्ट नहीं लाया गया ले लेना। वो केक खाने नहीं आया है? अच्छा वो केक खाना है तो वो पैसे तो लेके आएगा। प्लेट्स तो और हैं, काट काट के दे दो। ये प्यारी लग रही है ना, ये मैंने अपनी फोटो लगवाई है। लीशा को ये देना। ये भाई तो गाइस मैं भी लीशा के लिए गिफ्ट लाई। हरकत दिख रही है, ऐसा लग रहा है केक में वो मार लाई। ओए मम्मी तुमने लाई क्या? झूठ बोल रही है। ये रहा मैं लाई हूं। मम्मी लाई भाई तुम लाइयो इसके लिए जो घर पे रखा है, और ये मैं लाई हूं। बाबू ताला फट गया, फोन मत रख ले। मम्मी ये क्या है? भूखे नंगा और ये चाट रहा है भाई। अपना गिफ्ट तो खोल जो मैंने दिया है। मैं गांव बसा नहीं, भूखे पहले आ गई मैं। चम्मच
घर पे खोलेगी। ठीक है घर पे खोलना। वो दोनों दिन दुनिया से अलग है। स्पून स्पून गिफ्ट दिया है, अब अनबॉक्स कर रहे हैं। मम्मा का गिफ्ट है, कोई बात नहीं चलो चलता है। क्या चलता है? अरे बाय टाटा, अभी नहीं खत्म हुआ ब्लॉग इसका। इसका बस चले, हर दो मिनट में मेरा ब्लॉग खत्म करा दे। बाय टाटा, जल्दी खोल। अभी तो बहुत सारे अपने पास से लाई है, मेरी लड़की दे रही है गिफ्ट। क्या लाई है? चॉकलेट स्क्रीन अलग। अच्छा पीहू ने भी गिफ्ट दिया है? क्या गिफ्ट दिया है? कहाँ है? अच्छा रख दी। लाने में तो क्रीम खाएगा, प्लेट में डाल दो। ये कोई बात नहीं, एकदम क्रीम से बचाते हैं हम आपके लिए। वैद्य का नाम भी खाता है, क्रीम भी खाता है। बस ये दिखा 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 दिखा, दिखा इधर दिखा। मैंने ये मेरी घड़ी बांध के जाती थी, डैडी गुस्सा करते थे इसलिए मैं सोचती थी। ये मम्मा की वॉच पहन के जाती थी तब हमने इसको भी ला दी कि चलो कोई नहीं बच्चा है। हाँ स्मार्ट वॉच है। मुझे भी ठंडा धोना। नॉर्मल होती हो, खांसी हो रही है, खोल ना जल्दी। कल कर रही है अरे मैंने अपना पट्टा बदलने भूल गई, ग्रीन था मेरे पास पट्टा। दे भाई देखो, हाँ देख ड्रेस से मैच कर रहा है ना, पहन ले वॉच को। ये लड़की वहाँ से उठ के यहाँ आ रही है मेरे पास, मतलब वो तो बिल्कुल ऐसी चिपक जाती है ना मेरे से। ब्लॉग में ही नहीं, ब्लॉग के बाहर भी, मतलब मेरे साथ ही खाती है, मेरे साथ ही रहती है। एक ये दूसरी वो, जो सबसे दूर रहती है। इन दोनों की लड़ाइयाँ होती है मेरे साथ खाने के लिए। नानी के जाती हूँ तो इनकी लड़ाइयाँ होती है। ये मतलब ऐसे लड़ते हैं कि मेरे साथ कौन खाना खाएगा, मेरे साथ कौन बैठेगा, मेरे साथ कौन सोएगा। मेरा परम नहीं आया, मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। उसकी ना तबीयत बहुत खराब हो रही थी इसलिए वो नहीं आया। गाइस ये लड़की कितना चिल्लाती, तेरे को क्या है, कोई दिक्कत है? काकी हैप्पी बर्थडे कर दे, कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ करो। सो गाइस अभी हमने खाना वगैरह खा लिया, बिल बिल सब पे कर दिया। अब हम जा रहे हैं बाहर, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे फिर घर जाएंगे। और मैडम को देखो, मैडम को फिर बाय, मैं ना मुंह तोड़ दूंगा। चलो चले फिर, बाय करो। हाँ इनकी वॉच देखो, मैंने जो गिफ्ट करी है ऑन करके दिखा देना। अभी ऑन नहीं हो रही इससे। अच्छा 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 मैं करूँगा। इसको ही कह देगा ये मेरा छोटा भाई है, कितना बड़ा होता। अरे कितना बड़ा होता जा रहा है हाइट में। नहीं देख ना इधर, देख उधर मत देख, इधर देख। ऐसा पक्का यही लेगी अंकल जी, एक और लगा दो। सो गाइस हम यहाँ पे आके कंफ्यूज हुए थे, पहले कि सम्राट में जाइए विक्रांत में, तो हम सम्राट में गए थे। सारे पहले वहीं बैठ गए थे। हाँ सारे पहुँच के पहले वहीं बैठ गए थे। लो अंकल जी, भैया क्या हुआ, क्या हुआ भैया? मैंने इसका पूरा ब्लॉग निकाल दिया और ये कह रहा है हाइड नहीं कराया भैया। एक और दे दो, तीन ली है। हाँ ये वाली नहीं, वो ले लेना, चॉकलेट वाली। नहीं नहीं ये वाली भाभी को, भाभी को भी दो मेरी स्पेशल बनाना भाभी के लिए। इसको भी दो, चंद्रमुखी को एक ही बोलता है। लो 80 हो गए ना माँ। खा के दिखाओ, खा के दिखाओ, खा के दिखाओ।
आधे कुल्फी खा रहे हैं, आधे कोल्टी वॉल्स की आइसक्रीम। एक वाइट खिला, मेरी फेवरेट है वाली। खाओ ना, आज कुल्फी खाओ। हम घर आ गए, 9 बज रहे हैं और देखो बर्थडे गर्ल के साथ क्या हुआ। उसके ना दांत में दर्द हो रहा है, बहुत तेज रो रही है बेचारी। मत रो, अच्छा नहीं 12 बजे तक रुक जा, आज तेरा बर्थडे है। तूने खा क्या लिया है ऐसा? फूल सर में लगा लो। इनने खा क्या लिया है, ऐसा दर्द हो रहा है? क्या मैं कर दूंगी, तुझसे नहीं होगा। और कर दिया था। देखो कहाँ दर्द हो रहा है, दवाई लाई हूँ ना, खा ले। खा तो ले पहले, जब तो ठीक। तो दवाई नहीं खाई? वही तो कह रही से खा। तो वो तो खा, मैं दवाई लाई हूँ, वो खा ना बाबू। ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, अभी तो बड़ी हुई है ना, कितनी सख्ती हो गई है। सो गाइस अभी बड़ी हुई है ना, तो भगवान ने कहा थोड़ा दर्द सहना सीख ले बेटा। अभी तेरे को पापा को भी केक खिलाना, डैडी है, डैडी अंदर है ना, पापा को भी केक खिलाना है। तो केक खिला दे बाबू। ये ऐसे रो रही है भैया, ज्यादा होता है दर्द। मुझे नहीं हुआ ना, मेरे को नहीं हुआ ना। चुप हो जा मेरा बाबू, चल 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 अभी पापा को खिला दे। भाई मजाक में कोई हंसेगा नहीं इसके रोने पे। एक पूरा खाली है, एक तो पूरा खाली है। देख कितना आधा एक टूटा, देख तो। तो मैं दवाई खा ली इसने, अब खा ली, अभी आराम हो जाएगा। देख तू अब तक सबसे अच्छी, हाँ पता नहीं दवाई सबसे अच्छा इलाज है बाबू, सो जा, जब सोएगी ना कुछ पता नहीं चलेगा। चल अच्छा पिक्चर देख ले, कौन सी देखेगी? मनी हाइस्ट देख ले। गाइस इसको मनी हाइस्ट बहुत पसंद है, टोक्यो की फैन है ये, है ना। अभी टोक्यो देख ले, चल जल्दी, रो मत बच्चो, छोटा सा बच्चा है ना। अरे मैं थक गई, कैमरा पकड़े चल जा रही है। चुप हो जा, गले लगा लो लाडो को अपनी। दवाई कौन सी लेनी? सुमो तो अच्छी रे, अच्छा असर करेगी जल्दी। चल अब खिला तो दे लाडो, सारा बर्थडे की बात। सुबह से ऐसी एक्साइट थी इतने दिन पहले से। चल चुप हो जा, खिला। अभी अभी हो रहा है बिल्कुल, अभी घुसते ही घर में कह रही हूँ दर्द हुआ। हैप्पी बर्थडे लीसा, हैप्पी बर्थडे लीसा। अब ना दर्द बंद हो गया? नहीं 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 लो मेरे को तो लो ना तुम। अभी इसने थोड़ी लॉन्ग वॉन्ग रख ली दांत में, अभी थोड़ा इसका दांत सुन हो गया, दर्द कम हो गया। बाकी अभी अपने गिफ्ट खोलने वाली है सारे जितने भी हैं, और पिंकी मासी ने ना आपका गिफ्ट ना ले लिया है, लेकिन भिजवाया नहीं क्योंकि वो खुद ही नहीं आ पाई, वो पार्लर गई हुई थी और नानी जी भी मार्केट गई हुई थी, तो इसलिए नहीं चल पाई कल नवमी का सामान लेने। तो आपका गिफ्ट तो मासी बाद में देंगी, वो वाला हम बाद में दिखा देंगे। अभी जो आपकी फ्रेंड्स ने और हम सब ने दिया है वो खोलो आप। अभी अभी हाँ खोल ली ना पहले ही, ब्लॉग में अपनी पन्नी भी खोल खोल के सीने रख ली थी। एक सेकंड साफ कर दूँ। अच्छा ये आपकी कौन सी वाली फ्रेंड ने दिया है? यशिका, थैंक यू तो बोल दे। अरे 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 कैसी लड़की है। सो ये इसकी यशिता लखन, लखन है ना, लखन नहीं। अच्छा यशिता का बीस्ट, अच्छा यशिता बीस्ट ने दिया है, थैंक यू। मैं बोल देती वो नहीं बोल रही तो क्या है। किसने? ये झलक मित्तल ने दिया है, झलक मित्तल थैंक यू। ये तो बोलेगी नहीं, उसने लॉन्ग रखी हुई है मुझे। अच्छा भी ये क्या है? अच्छा ये मम्मा ने इसको दिया है, निकाल ले। सो गाइस मम्मा ने इसको वॉच भी गिफ्ट करी है, ये टॉप भी, अभी मैंने गिफ्ट किया वॉच। हाँ चलो ठीक है, ये टॉप भी, और मम्मी वो भी तो दिए स्लीपर, स्लीपर नहीं वो क्या है सैंडल, और जो फ्रॉक पहनी है वो रिजल्ट वाले दिन जो कपड़े पहनते हैं वो भी। और अच्छा बाकी दिखा दूँगा,
जब पहनेगी तब दिखाएंगे। चलो ठीक है। हाँ वो ले आया, वो वॉच भी उठा लाया। अब आगे दिखा दो और गिफ्ट नो ना रख दे इसे। किन्ने दिया गोला, नाम क्या है उसका? तन्वी। ओके तो थैंक यू तन्वी। और क्या उसमें? हाँ उसने इसको रिंग भी दी थी बटरफ्लाई, वो ये पहले ही निकाल के पहन चुकी है। यही है वो रिंग? अच्छा वो दूसरी थी? दो दी थी। अच्छा दो रिंग थी, दिखा। थैंक यू गोला। रुक, ये रिंग गोला ने दी है और एक और दी है ये वाली, वो ये पहन चुकी। और दिखा ये ताई जी ने दिया है, ये तो मैंने दिखा दिया था। ये है और ये टी शर्ट, मना कर रही है। ठीक है जैगी ने और दूसरा वाला टॉप भी दिया था, वो रख दिया है ना? नहीं वो बड़ा है चेंज। अच्छा वो बड़ा है इसके, वो चेंज होगा। और दिखाओ ये किसने दिया है? सो गाइस ये भी इसको इसकी दोस्त ने दिया, रिद्धि ने। इसके नाम का है लीशा लिखा हुआ है, ये देखो लीशा। और एक शिवलिंग दिया है। थैंक यू रिद्धि। नेक्स्ट दिखा, ये भी मम्मा ने दिया है। इन्हें ये सैंडल्स पहनने का कुछ ज़्यादा ही शौक है ना। बाबू इसी से पटने के लिए तैयार हो जा। हाँ और ये पीहू ने दिया है, लिखा हुआ भी है, रुक जा देख। हैप्पी बर्थडे लीशा दीदी। थैंक यू पीहू। पैक करके लाइए तेरे लिए। पहले वाली चॉकलेट तो खा गई, एक फ्रेंड की दी। क्या किन्ने दी थी? किन्ने? यूवी का कैडबरी का पूरा बॉक्स दिया था इसकी फ्रेंड यूवी का ने, जो पहले खा चुकी है। उसी से इसके दांत में दर्द हुआ है। भाई पहले भूखा घूमेगा, आगे पीछे चॉकलेट के देना चुकिया रंदे द फेंक के दे रही है। क्या है इग्वा? पता नहीं। क्या जस्ट सुन ले पहले। सो गाइस ये पहला ऐसा व्लॉग होगा बर्थडे का जिसमें मैंने डांस नहीं किया। मेरा बड़ा मन था, अब मैं क्या करूं? बेचारी के दांत में दर्द हो गया, रोने लग गई, मेरे से देखा नहीं गया। मैंने कहा चलो छोड़। क्या कह रही है? क्या कह रही है? रुक जा रही। क्या यही कह रहा है? रुक जाऊँगी। रुक क्या है? चले नौकन की ये अंदर ले ले, लोगों का अच्छा होता गला सही होता है। शिवली हटा दी ना, आपने पापा को दिखा ली थी प्यारी है। तो अब ब्लॉग एंड कर दूँ मम्मा? मर्जी आप, पूरी रात बैठे रहो एंड करने की। अब अब पूरी रात कौन देखेगा मेरे को? क्या सोचे को देखोगे? सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड। तू फोन में तेरा ब्लॉग बनाता हूं। नहीं रुक जा ना। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी से जल्दी लाऊं। लीशा तो खा नहीं पाएगी। हां लीशा तो खा नहीं पाएगी, आप ही खाओ। पहले वाली भी तूने खाई है, चुरा चुरा के मैंने एक भी नहीं खाई। अच्छा बस। सो गाइस आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।